अबे यार, तक केबल तो लगा देता। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सर। हमारा जो बूफर है बिना केबल के बच जाता है, ये सब एडिटर की कारस्तानी है। तो गाइस, आप जानते हो भाई, अगर आप पिकनिक मनाने जाते हो, घूमने जाते हो, शेयर करने जाते हो, या भाई साहब आवारागर्दी करने जाते हो, तो गाइस आप इतना भारी बूफर या स्पीकर नहीं ले जा सकते। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम एक ऐसा ब्लूटूथ स्पीकर बनाएंगे जो गाइस बोतल कैप बनेगा, काफी छोटा नन्ना मुन्ना तो नन्नू सा होगा, और गाइस यकीन मानिए वो स्टीरियो होगा, लेफ्ट और राइट वाला फंक्शन वहां अवेलेबल होगा। प्ले दोस्तों, कंप्लीट वॉच कीजिएगा। चलेगा, चलते अपने टॉपिक पर। चलिए, समर एक्सपेरिमेंट। ये कैसा लगा मेरा मजाक? तो भाई साहब, इतने सारे कैप्स मेरे पास पहले मैं लेकर आया था, मैंने मिक्स कर दिए। गाइस, आप काफी समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, चालाक हो, और मैं काफी बुद्धिमान हूँ, मुझे पता। गाइस, आपने थंबनेल में देख लिया। तो गाइस, सिंपल सी बात है भाई साहब, हम फटाफट में लेते हैं कुछ कैप क्योंकि नए नए से होंगे। तो भाई, मैं ले रहा हूँ चार कैप। आप चाहे तो गाइस यहाँ पर दो कैप का बना सकते हो, लेकिन चार कैप का मैं इसलिए ले रहा हूँ जिससे थोड़ा सा साउंड इंक्रीज हो जाए, है ना, थोड़ा सा बेस इंक्रीज हो जाए। बस थैंक यू सो मच, एडिटर बढ़िया हमारा जब आते। तो गाइस, ये मैं लेकर आ गया नल के पास, लेकर आ गया ये अपने दांत मांजने का ब्रश। मुझे पीला कलर पसंद है, मैं दांत नहीं मांजता था भाई, ये खामे का धूल खा रहा था, मैं जरा इसका यूज कर लूं। धो लेते हैं फटाफट, ऐसा नहीं कुछ चीज अच्छी लगे, साफ हो तो काफी अच्छी लगेगी। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, यह फटाफट इन्हें बिल्कुल ऐसे चमका देंगे जैसे गधे के सर पर सींग। ये कौन सा लोजी का भाई? तो भाई बिल्कुल मस्त हो गए, ब्लू कलर निखर का आया। मुझको दफना करो जब। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? ये भाई ढक्कन मैंने बिल्कुल साफ कर दी है, चमक गए हैं लोंडे बिल्कुल। और भाई अब मुझे इन्हें कट करना है और पार करना है, और पार के लड़ाई शुरू होने वाली है। तो गाइस, उसके लिए मुझे काफी तैयारी करनी पड़ेगी। तो गाइस, मैं कैसी लग रहा हूँ? तो काफी मस्त चीज है, कपड़े गंदे नहीं होते और पिटाई से बच जाते हैं घर वाले। अगर आपके पास एंगल ग्राइंडर ना हो, ठीक है, तो भाई आप सैंड पेपर भी ये जुगाड़ ये काम कर सकते हो। तो वैसे गाइस, सैंड पेपर से काफी आसान हो जाएगा, इसमें थोड़ा रिस्क है, लेकिन क्या करें, रिस्क है तो इश्क है। चाहो तो आप एक जुगाड़ और कर सकते हो, वो तो मैं लगा लो भैया इसका आपको पहले। तो गाइस, लगता है ये हो गया, तो ये वाला आइडिया हमारा काम कर गया। ओए, तो मैं उसी बता सकता हूँ, हो गया इसी तरीके से, मैं चार कर लूंगा। तो लीजिए गाइस, ये बन चुके नल्ले, सॉरी ये बन चुके छल्ले का, भैया फटाफट चिपकाते हैं। तो भैया, चिपकाने की टेक्निक थोड़ी सी अलग होने वाली है। जो यहाँ पे देख सकते हो कौन सा साइड है ना, जहाँ से हमने घिसा, घिसने वाले को मैं इस तरीके से नहीं चिपकाऊंगा। यहाँ पर ढक्कन का कैप है ना, जहाँ से हमने घिसा नहीं है, उस तरफ से मैंने इस तरह से चिपकाऊंगा। अभी आपको वजह बता दूंगा, वो तीजिए यार, बस हल्की हल्की मार दो। यार, हाथ पे क्यों चिपका भाई साहब? खाना खाते हुए स्टेटबुल की पपड़ी मेरा मुंह में आती है, प्लास्टिक चला गया भाई मेरे पेट में कई बार। तो देख रहा यार, ये बाबा से करवाया मेरे को बीमारी, नाम भी ऐसा रखा, आला आदमी हंसते हंसते जो ना पागल हो जाए। अब बड़े लग रहा है जो बात है, ये चिपक गया। अब जहाँ से हमने घिसे हैं वहाँ पर चिपकाने, ये जो बिना घिस वाला पार्ट है ये ऊपर रहेगा। भाई टाइम थोड़ा ज्यादा लगे, लेकिन आपको बिल्कुल आराम से काम करना है। तो गाइस, ये तो बिल्कुल भाई डमरू होता है ना या ढोल, उसकी शेप में बन चुका है और काफी सही साइज है, बड़ा नहीं है, अप्रोक्स डेढ़ इंच। तो भैया, आप लेते हैं कुछ कंपोनेंट्स, आपको पता है मैं क्या लेने वाला हूँ, फिर भी ये किस तरह से फिट होंगे बाकी वो देखना है। तो भाई, ये रहा पेम 8403, एक क्लास डी की फायर किट, एक 5 वोल्ट का ब्लूटूथ मॉड्यूल लाइट है। तो गाइस, कनेक्शन कर लिए, बहुत इजी कनेक्शन है। पॉजिटिव लगा दिया, नेगेटिव नेगेटिव लगा दिया, निकला पॉजिटिव नेगेटिव, भाई लेफ्ट और राइट के लगा दिए, बीच का ग्राउंड मत जोड़े, हमिंग की आवाज आती है, यहाँ से ले लेगा। और भाई, ये इसके लेफ्ट और राइट के स्पीकर के आउट। अब आते हैं इसकी बैटरी पर, बैटरी थोड़ी सी धांस लगाई। तो गाइस, ये बैटरी लिथियम पॉलीमर बैटरी है, और भाई ये 50 mAh की है और ये 100 mAh की है। तो भाई, ये तो बहुत जल्दी डाउन हो जाएंगी, मजा भी नहीं आ पाएगा साउंड में। गाइस, हम लगाएंगे ए वाली 380 mAh की बैटरी है, और यहाँ पे देख सकते हो काफी मस्त है, थोड़ी सी बस ये खा पी के मोटी सी हो गई है, फूल गई हल्की सी, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये बढ़िया काम कर रही है। तो भाई, ये आ जानी चाहिए हमारा कवर, और इसके अंदर देखिए इजीली थोड़ी सी आ तो रही फिट, यार बड़ी मुश्किल से फिटिंग करनी पड़ेगी, जो बात है इनके अंदर सारी चीजें डालनी है, उसी का तो मजा है डालने। और इस बैटरी को रिचार्ज करने के लिए एक चार्जिंग मॉड्यूल की भी आवश्यकता है, तो भाई वो आवश्यकता पूरी हो गई है, ये टाइप सी चार्जिंग मॉड्यूल में ले रहा हूँ। अब इन सारी चीजों को इसके अंदर फिक्स करना है। तो गाइस, काफी मुश्किल से, मतलब यार काफी दिक्कत होती है, कोई हम छोटी चीज बनाते हैं, देख सकते हो कैसे तामझाम कितना इसका ट्रांसफार्मर बना हुआ है, बिजली घर और आलोंडा पूरा। यहाँ पे एक स्विच लगा है जो काफी छोटा माइक स्विच है, यहाँ पे आप जानते हो भाई। अब आते हैं इसके स्पीकर पर, पहले मैं आपको इसको चार्ज करके दिखाता हूँ, है ना। तो भाई, ये रहा हमारे चार्जर का पिन टाइप सी, और
लगा दिया। देखिए आई थिंक आपको दिख रहा होगा और मैं इधर से भी दिखाता हूँ। देखिए ये चार्ज सिस्टम है और जब ये फुल चार्ज आएगा तो गाइस ये ब्लू कलर की एलईडी जाएगी और बाकी टेस्ट बाद में करेंगे बाहर से कैसी दिखेगी। ठीक है पहले आते हैं इसके स्पीकर पर। कितने सारे गाइस स्पीकर है देख सकते हो भाई साहब, काफी नन्हे मुन्ने छोटे मोटे स्पीकर है गाइस, ये तो काफी छोटे हो जाएंगे। ठीक है भाई इसके हिसाब से मैं देखना पड़ेगा कौन सा लगाए, ये भी काफी बड़े हैं तो गाइस ज्यादा लगता है ये वाले आएंगे ये वाले। वही तो तीन तरीके मेरे पास यानी कि तीन अलग अलग पीस है बल्कि छह। देखते हैं इनमें से किसकी आवाज बेस्ट रहेगी इन दोनों में से वे लगाएंगे। ओ भाई ना खोल के देखते हैं। इनका तो अच्छी तरह जानते हो बचपन से एयरटेल लगे जरा मारे वाले टू। अब भाई दूसरे स्पीकर ये रहे। अरे बस बंद कर दे भाई हो गया। तो देखते हैं इनमें से किसकी आवाज बेस्ट आएगी और ये काफी अच्छी तरीके से फिट हो रहे हैं देखिए बिल्कुल भाई मस्त। तो गाइस पहले जोड़ते हैं भैया ये गेम वाले अगर ये चल जाए तो भाई सीधा करता हूँ और यहाँ से स्विच ऑन करके देखता हूँ आवाज कैसे आएगी। गाइस ऐसा एक्सपीरियंस आपने आज तक नहीं देखा होगा पूरे यूट्यूब पर। गाइस इस तरह से हम गेम वाला स्पीकर लेकर ब्लूटूथ स्पीकर बना रहे हैं कमाल हो गया। खैर ये तो हो गया टोटली फेल। तो भैया इसे निकालते हैं और उसके बाद इसे फेंकेंगे। चलो फेंकेंगे नहीं यार भाई ये बचपन की याद दिलाती है तो इसे हम नहीं फेंकेंगे। तो भाई ये रहा दूसरा स्पीकर आज वाले देखते हैं भाई आवाज सही आनी चाहिए भाई वरना हमारे सब्सक्राइबर को मजा नहीं आ गया। मजा आना चाहिए भाई ऐसे थोड़ी है प्रोजेक्ट बन रहा है और बेकार हो। चलो इसके बाद देखते हैं अच्छा नहीं चाहिए भाई। अरे वाह भाई वाह इसके आवाज में थोड़ा दम सा लग रहा भाई देखो कनेक्ट भी हो गया ब्लूटूथ ऑन है ना मेरे मोबाइल का। देखते हैं दोबारा से भाई वाह अरे वाह मजा आ गया। इसके बाद अच्छी है भाई साहब और उसमें लगने के बाद और मजा आएगा भाई दोनों ढोलक लगा देते हैं। गाइस इन दोनों स्पीकर को चिपकाने से पहले आपको एक बात बता दूं मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ मैंने दो होल छोटे छोटे कर दिए हवा का आदान प्रदान बने रहे वैसे ऑलरेडी यहाँ पे थोड़ा बहुत था लेकिन इससे बात नहीं बनेगी तो दो स्पीकर है भाई ये काफी मस्ती सब लग जाएंगे यार मजे आ जाएगा भाई जो बात है बिल्कुल भाई फिक्स भी आ रहे हैं इसके हिसाब से। भाई इन्हें चिपकाना पड़ेगा हमें चिपकाएंगे किससे इन्हें हम ग्लूगन से चिपका सकते हैं। ग्लूगन यहाँ पर सबसे बेस्ट रहेगी चिपकाने के लिए जल्दी। अरे वाह भाई साहब क्या फिटिंग आई है। अरे आप सबको छोड़ यार आप फिटिंग देखो मस्त फिटिंग आई है भाई स्पीकर की। मुझे लगा कंपनी ने इसलिए बनाया भाई जो ढक्कनों का ब्लूटूथ स्पीकर बना सके। फिर वही जल्दी भाई से ऐसे दबा दो उल्टा। लो भैया जी देखने में कितना क्यूट लग रहा है यार जो बात है इसे खोले। अरे भाई गाइस क्या मस्त आवाज आ रही है यार इतने से स्पीकर में। देखो बहुत छोटा सा स्पीकर है आपको दिखाई में देगा मुट्ठी बंद कर दूंगा देखिए इधर से भी देखिए इतना छोटा स्पीकर भाई देखिए। और भाई स्टीरियो है डबल और इसके बाद आवाज आपको फिर सुना के दिखाऊंगा देखिए यहाँ पर स्पीकर है तो अरे भाई इतनी क्लियर साउंड आ रहे हैं अभी। तो गाइस की टेस्टिंग करने में काफी मजा आएगा। तो यार वैसे मैं सोच रहा हूँ उस पर पेंट कर दूं लेकिन इस पर ऑलरेडी एक ब्लू कलर का पेंट होया पड़ा है मतलब ब्लू कलर के जो कैप थे तो भाई मैं इस पर पेंट नहीं कर रहा। ये ऐसी नेचुरल अच्छा लग रहा है और भाई जुगाड़ने लग रहा है क्या चीज है यार मस्त मतलब तारीफ नहीं कर रहा मेरे को काफी अच्छा लग रहा है और फ्रेंड्स आपको भी काफी अच्छा लग रहा होगा। जल्दी से भाई लाइक कर दो और भाई जल्दी से कमेंट करके बताओ अभी से बिना टेस्ट किए बता दो गाइस कैसा काम करेगा और कैसा इसका लुक लग रहा है। तो गाइस चलाने से पहले इसकी चार्जिंग की एलईडी टेस्ट करते हैं कैसी दिख रही है। देखिए भाई साहब क्या मस्त है रेड रेड भाई जब ये चार्ज जाएगा तो ग्रीन कलर या ब्लू कलर ग्लो हो जाएगा। तो चलो गाइस अब फटाफट की टेस्टिंग करते हैं। तो भाई साहब गरीब के पास क्या हो सकता है मैं अपना मोबाइल निकालता हूँ। सॉरी ये मेरा नहीं है भाई ये 13 प्रो है मैं तो गरीब आदमी हूँ मेरे पास यह है चटका हुआ ठीक है ना OnePlus 8 Pro। कैसे हो ब्रो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ यार। तो भाई फटाफट की करते हैं टेस्टिंग रखते हैं साइड में पता ना किसका फोन है। तो भैया इसे करते हैं यहाँ से हो जाएगा ऑन। वैसे गाइस मैंने पहले कनेक्ट कर दिया था ठीक है तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा ब्लूटूथ ऑन करती देखिए तुरंत कैच कर लेता है और मैं आपको यहाँ से जो माइक है ना आज अपनी शक्ति दिखाएगा निकल जा भाई देखिए पता ना कहाँ कहाँ से जा रहे हैं इसके हुआ है। हाँ बहुत इतना अंगूठा छाप ना इसमार भैया अंगूठा लगाऊं मैं पहला गाना बजाएंगे सिंपल सा वाला भी चल रहा है स्पीकर वाला भी चल रहा है लौटेगा नहीं रहेगी ये फ्यूचर ना इससे उठ जाएगा ठीक है चल रहा आवाज बढ़ाता हूँ। ओह दो सौ चल रहा ऑटोमेटिक चला बिल्कुल एचडी क्लियर इसके साउंड है मेरी तरह भाई की तरह और सुन लेते हैं गाना चेंज करके थोड़ा डी जवाब सुनते हैं लेकिन अरे भाई बेस देखी इसमें बोल स्पीकर मत चलने गाइस आवाज थोड़ी फट सकती है ना पास में रहेंगे ना जाते भाई के थोड़ा करवा देगी अरे
अरे भाई साहब मतलब पास हो गया, मतलब ऐसे साउंड इससे आएंगे इतने से स्पीकर से, उम्मीद नहीं थी भाई, बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो गाइस टेस्टिंग बहुत हो गई है, आवाज मेरी फटी भाई, आलू लेना बैगन वाली आए क्या फायदा। यकीन माने भाई मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी इतने मस्त साउंड, इतने अच्छी बेस आएगी, मतलब इस नन्ने मुन्ने से भाई नहीं थी। तो गाइस हम सबको हंसी आ रही है जब इसके साउंड आ रहे हैं, इतना छोटा इस तरीके से कैसे बज रहा है। तो गाइस आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। प्लीज दोस्तों मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार हेडफोन लगाकर आप इसके साउंड जरूर सुने मोबाइल में, वैसे गाइस नहीं समझ पाएंगे जो मोबाइल के स्पीकर होता है ना। तो गाइस मैं कोशिश करूंगा जितने भी कंपोनेंट्स मैंने यूज किए हैं, बैटरी स्पीकर वगैरह, सब नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या मैं दे दूं मिल जाएगा जोड़ दूंगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छे लगेगा, प्लीज दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और भाई जरूर बताइए ये जुगाड़ आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।